गुड इवनिंग दोस्तों, मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। जो मैं पहला वीडियो में आपको नीट मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बायोलॉजी के बारे में बताए थे, आज थोड़ा सा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के आपका टोटल 180 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का 45। अब केमिस्ट्री का जो 45 क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन में से आपका ऑर्गेनिक का पार्ट आपका 35-40% रहता है और रिमेनिंग पार्ट आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। 45 क्वेश्चन में आपका 15-17 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 16-17 आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेगा और रिमेनिंग पार्ट 13-14 क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आज डिस्कस करूँगा सिर्फ हीट मैप ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन आपको अभी पढ़ना होगा, ज़्यादा हाईलाइट करना होगा कम टाइम में, कम समय में। मैं कहना चाहता हूँ कि IUPAC नोमेनक्लेचर को आप पढ़ लीजिए। IUPAC नोमेनक्लेचर से आपका आ जाएगा 2 मार्क्स, उसके साथ आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिए, 2 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये पढ़ लीजिए और आप जैसे एल्किल हैलाइड एल्कोहल ईथर, एल्किल हैलाइड एल्कोहल ईथर, इसको पढ़ने से आपको मिल जाएगा आपका 2 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल से मिलेगा आपको 1 क्वेश्चंस और एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड से आपको मिल जाएगा 1 क्वेश्चंस। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एसीटोन, जैसे एग्जांपल ऑफ द कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से आपको मिल जाएगा टोटल 4 क्वेश्चंस, यानी कि ये मेजर पोर्शन है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है। 4-5 क्वेश्चन आपको कार्बोनिल कंपाउंड का मिलेगा यानी कि C-OH और C-O कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे आपका आ जाता है कार्बोनिल का C-O एंड अदर साइड OH, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड मिला के आपको 4-5 क्वेश्चन आएगा। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 क्वेश्चन और आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आएगा। और प्रैक्टिकल एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होता है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उससे आपका एनालिसिस बेसिस से 1 क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के आपका 15-17 क्वेश्चंस आप करके चलिए ऑर्गेनिक। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक को ही रन करके जाइएगा तो आप 50% आपको मिल जाएगा। 45 में आपका 1/3 यानी कि आपका, अगर आप 16 क्वेश्चन तो आपका 64 आ जाएगा और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक रहेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो आज यही था। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यूट्यूब में डाल दूंगा वीडियो और मेरा नंबर रहेगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो बताइएगा। और इसके बाद हम कल से आप लोगों का वीडियो अपलोड करेंगे, हम एक एक टॉपिक बताते रहेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपका नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजिकल पोर्शन पर। और इसको छोड़ के भी हम UGC नेट जो कॉलेज का लेक्चरशिप, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, CSIR नेट जो कॉलेज का GRF लेक्चरशिप लाइफ साइंस का, और UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस का, और गेट एक्सेल पेपर लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी पोर्शंस को हम डिस्कस करेंगे अगला महीना से हम। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।